आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। रायसेन जिले की तहसील सलवानी के ग्राम चंद्रपुरा खमरिया गोंडी में शुक्रवार को दोपहर कांग्रेस आदिवासी नेता प्रकाश सिंह ठाकुर ने मृतक राजू धुर्वे हरी सिंह आदिवासी के घर पहुंचकर प्रभावित परिजनों से मिले। उन्होंने इस घटना को दुखद बताते हुए निर्दोषियों पर दर्ज प्रकरण वापस लिए जाए। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि मृतकों के परिवारों की भरसक मदद की जाएगी। मृतक राजू धुर्वे की मां और पति से हर सहयोग की बात कही। कहा कि चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। उनके साथ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री कार्यालय प्रभारी श्रीमती चंद्र सर्वेट नीलमणि शाह प्रभारी रायसेन चंद्रपुरा में शुक्रवार को दोपहर लगभग 2 बजे पहुंचे। वे यहां करीब 3 घंटे रुके और मदद के लिए मृतकों के परिजनों से अलग अलग चर्चा की। कांग्रेस अनुसूचित जनजाति प्रभाग ने भी किया दौरा की संवेदनाएं व्यक्त। कांग्रेस अनुसूचित जनजाति संगठन महामंत्री चंदा सर्वटे, महिला प्रभात, आदिवासी कांग्रेस प्रदेश महामंत्री प्रकाश सिंह ठाकुर, वीरेंद्र सिंह राज जिला अध्यक्ष देवेंद्र पटेल, साथ ही नीलमणि शाह नरसिंहपुर, सागर रायसेन जिले के प्रभारी, साथ में अभिषेक रघुवंशी आदि लोग चंदपुरा एवं चैनपुर चपरी खमरिया गोंडी पर पहुंचकर मृतक हरी सिंह के घर सारे परिवार के साथ बैठकर दुख दर्द को भली भांति जाना। यह आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी गरीब आदिवासियों के साथ मदद के लिए खड़ी है। रायसेन से शिवलाल यादव की रिपोर्ट। क्योंकि जो रिपोर्ट लिखी हुई है, जो मरे कटे हैं बेचारे, ट्रैक्टर चला दिया है, उनकी रात के 11:30-12 बजे रिपोर्ट लिख रहे हो आप। यहाँ पे पूरी लापरवाही जो दिख रही है, प्रशासन की पूरी लापरवाही दिख रही है, जिसमें पुलिस की मिली भगत से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से पहले हम ये मांग करते हैं कि उचित से उचित मुआवजा हमारे आदिवासी को मिले, और दूसरी जो धाराएं लगी हैं हमारे आदिवासियों के ऊपर, वो धारा तत्काल हटवा के, और जो मुसलमान परिवार है, जो दिगर परिवार है, उनपे 16 लोग पे जो लगा हुआ है, कम से कम 100-150 लोग हैं वो लोग जिन्हें मारा हुआ है, तो तत्काल उनपे कार्रवाई की जाए। और मेरा एक निवेदन और है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से कि तत्काल इसकी CBI जांच की जाए। अगर हमारे आदिवासी भाइयों पे कुछ अगर घटना घटती है तो पूरे प्रदेश में आदिवासी कांग्रेस पूरा आंदोलन करेगा, इसलिए इसके लिए तैयार रहें।